हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चार्ट बुक रिवीजन फॉर द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन। अच्छा, ये बहुत ज्यादा क्विक रिवीजन रहने वाला है। इनफैक्ट अगर आपको डिटेल्ड रिवीजन विद एग्जांपल्स, जहां पर मैंने हर प्रोविजन को डिटेल में डिस्कस किया है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स के, सभी चैप्टर्स के डिटेल्ड रिविजन पोस्टेड है यूट्यूब पर। कैपिटल गेन में देखना चाहते हैं तो शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से देख सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी डिटेल्ड रिवीजन देख चुके हैं, आप सेकेंड टाइम थर्ड टाइम रिवीजन कर रहे हैं, तो दिस रिवीजन वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन रहने वाला है, जहां पर मैं सारे प्रोविजन्स तो डिस्कस करूंगा आपके साथ, बट डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को फटाफट रिवाइज करेंगे कि कैपिटल गेन में क्या क्या होता था, जिससे कि अगर आपको थोड़े दिन हो चुके हैं रिविजन करे हुए, तो आपको सारी चीजें बार बार रिकॉल, आपस में बार एक साथ रिकॉल हो जाए। ठीक है, सेक्शन जो कैपिटल गेन में आते हैं, वो आते हैं सेक्शन 45 से लेकर 55 तक। आप लोग जानते हैं 55 के बाद 56 IFRS आ जाएगा, 45 से पहले 28 से लेकर 44 तक PGBP में सेक्शन आते थे। सेक्शन 45(1) चार्जिंग सेक्शन होता है कैपिटल गेन का। बहुत सिंपल सी बातें कहते हैं, दो चीजें होनी चाहिए, कैपिटल असेट हो असेसी के पास और वो उसका ट्रांसफर कर रहा हो। तो दो चीजें दोबारा से, कैपिटल असेट हो, उसका ट्रांसफर हो रहा हो, तो कैपिटल गेन आ जाता है। कैपिटल असेट क्या होता है? सेक्शन 214 में डिफाइंड है कि कौन कौन से असेट्स कैपिटल असेट्स होते हैं। जनरली सारे असेट्स कैपिटल असेट्स होते हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 45(1) एक जनरल चार्जिंग सेक्शन है। वो ये कहते हैं कि जिस भी ईयर में ट्रांसफर हुआ, कैपिटल गेन हम टैक्सेबल कर देंगे। इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जिसे हम पढ़ेंगे। अगर हमारा कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया, तो उस केस में हम जिस ईयर में डिस्ट्रॉय हुआ, हम उसको ट्रांसफर मानते तो हैं, बट उसको टैक्सेबल करते हैं जब एक्चुअली वो क्लेम के पैसे हमें रिसीव होते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर हमारे पास कैपिटल असेट था, हमने उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो द ईयर ऑफ कन्वर्जन ट्रांसफर माना जाता है, बट उसको टैक्सेबल करेंगे जब एक्चुअली वो स्टॉक हम बेच देते हैं, राइट। इसी तरीके से होता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, याद आ रहा होगा आपको। इसको हम टैक्सेबल कब करते हैं? जब एक्चुअली वो कंपनसेशन के पैसे हमें मिलते हैं, करेक्ट। ओके, तो जनरली चार्जिंग सेक्शन क्या कहते हैं? जिस भी ईयर में कैपिटल असेट ट्रांसफर होता है, उसी ईयर टैक्सेबल कर देंगे, बट यस, देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस आल्सो। सबसे पहले बातें करते हैं 214 में कैपिटल असेट की डेफिनेशन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, वो कहती है कि सभी असेट्स कैपिटल असेट्स होते हैं। ऑल असेट्स आर कैपिटल असेट, चाहे वो आपके बिजनेस के असेट्स हो, मूवेबल हो, पर्सनल हो, इमूवेबल हो, कैसे भी असेट्स हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, यानी कि गुडविल वगैरह बेचने पर भी कैपिटल गेन आएगा, करेक्ट। तो ऑल असेट्स आर कैपिटल असेट्स, बट कुछ असेट्स ऐसे होते हैं जो कैपिटल असेट्स नहीं होते। स्टॉक एंड ट्रेड को कैपिटल असेट मत मानिएगा, क्योंकि अगर हम स्टॉक एंड ट्रेड बेचते हैं तो PGBP की इनकम आती है। इसकी एक्सेप्शंस होती हैं, जो FIIs होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास जो सिक्योरिटीज होती है, जनरली हम ये मानते हैं कि वो FIIs का बिजनेस है। तो पहले क्या बोलता था असेसिंग ऑफिसर, कि हम ये आपकी PGBP की इनकम मानेंगे। वो FII को बोलता था कि बॉस, ये आपकी PGBP की इनकम होगी, बट उसकी वजह से इनको टैक्स ज्यादा लग रहे थे, तो गवर्नमेंट ने इनके लिए बोल दिया कि इनके पास जो सिक्योरिटीज होती है, ठीक है, अगर वो नॉर्मल कोर्स में भी बेचते हैं, खरीदते हैं, तो इसके ऊपर भी हम कैपिटल गेन ही लगाएंगे, यानी कि सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FIIs आर आल्सो कैपिटल असेट्स। ठीक है, MCQ के लिए ठीक रहेगा ये क्वेश्चन। ओके, स्टॉक एंड ट्रेड कैपिटल असेट नहीं होता। पर्सनल मूवेबल असेट्स, हमारा पर्सनल फर्नीचर हो गया, हमारा पर्सनल लैपटॉप हो गया, पर्सनल कार हो गई, पर्सनल यूटेंसिल्स हो गए, इनके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगाते, राइट। क्योंकि ये चीजें डेप्रिशिएट होती रहती हैं, कैपिटल गेन लगाने से फायदा नहीं है, गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पर्सनल होती हैं, बट उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है। तो खैर, मैं वो डिटेल में बातें नहीं कर रहा हूँ, अभी रिविजन पर्पज के लिए। ज्वेलरी, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन, तो इसकी एक्सेप्शन है कि ऐसी चीजें पर कैपिटल गेन लग जाता है। तो जनरली पर्सनल मूवेबल असेट्स पर नहीं लगेगा, बट उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी अभी मैं 2 मिनट में डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, ठीक है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड आप जानते हैं, ठीक है, आप लोग जानते हैं, पॉपुलेशन बेस्ड उसका एरिया देखा जाता है। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड जब कभी भी ट्रांसफर होगा, कैपिटल गेन नहीं आएगा। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। आप ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर रहे, ये तो आप लैंड सेल आउट कर रहे हैं। तो अगर वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं होता। बट अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच देते हैं, तो कैपिटल गेन आ जाता है। और एक और चीज रिवाइज कर लीजिएगा, एक सेक्शन 1037 है, बट सेक्शन का नंबर याद ना रहे तो चलेगा, बट प्रोविजन पता होना चाहिए। अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपल्सरी एक्वायर होता है,
तो फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड खुद वॉलंटरली बेचेंगे टैक्सेबल है, कंपल्सरी एक्वायर होगा तो एग्जेम्प्ट हो जाता है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड भी कैपिटल एसेट नहीं होते, ठीक है, तो दीज आर नॉट कैपिटल एसेट्स। चार्ट बुक आपके पास आराम से मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर, पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। ओके, सम पर्सनल मूवेबल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स, यानी कि ऐसी चीजें जब आप बेचते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल गेन आ जाएगा। ज्वेलरी, प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे डायमंड्स वगैरह, पेंटिंग्स, महंगी पेंटिंग्स, महंगी ड्रॉइंग्स, महंगे स्कल्पचर्स, इस तरह की चीजें बेचते हैं तो कैपिटल गेन आएगा। आर्कोलॉजिकल कलेक्शन या एनी वर्क ऑफ आर्ट, जो पुराने एंटीक चीजें हैं, ऐसे बेचने पर कैपिटल गेन आ जाता है या ट्रांसफर करने पर। मैं सिर्फ बेचना यूज कर रहा हूँ बट समझ जाइए, ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन आ जाता है। अगर आपके पास सिक्योरिटीज हैं, अगर आप स्टॉक ब्रोकर हैं, ठीक है, आप ट्रेडिंग करते हैं सिक्योरिटीज की, तब नहीं। नॉर्मली अगर आप एज एन इन्वेस्टर सिक्योरिटीज आपके पास हैं, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं या एनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स वगैरह हैं, उसको बेचने पर या ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन आ जाता है, इंक्लूडिंग योर वर्चुअल डिजिटल असेट्स यानी कि बिटकॉइंस वगैरह। ओके, दूसरी बातें आती है जब कैपिटल गेन आएगा तो ये कैसे पता चलता है कि वो लॉन्ग टर्म होता है शॉर्ट टर्म होता है, तो डिपेंड करता है पीरियड ऑफ होल्डिंग पर। तो जनरली हम जानते हैं कि अगर आप 3 साल तक कुछ असेट्स के लिए, 1 साल भी है, 2 साल भी है, जनरली अभी 3 साल, तो जो असेट को हम 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल से ज्यादा होल्डिंग पीरियड नहीं है, उससे पहले अगर हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, बट 3 साल के बाद करते हैं, 3 साल के बाद करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। बट कुछ असेट्स के लिए हम ये 3 साल नहीं देखते, 1 साल देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बातें, ठीक है, एमसीक्यू के लिए स्पेसिफिकली। 1 ईयर किस किस के लिए देखते हैं, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज यानी कि मैंने अनलिस्टेड नहीं बोला है, ठीक है, लिस्टेड सिक्योरिटीज, चाहे वो लिस्टेड शेयर्स हों, लिस्टेड डिबेंचर्स हों या लिस्टेड कोई भी अलग सिक्योरिटीज हों, लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं वो 1 साल के बाद ही लॉन्ग टर्म हो जाएगी, एग्जैक्ट 1 साल शॉर्ट टर्म, 1 साल से जैसे ऊपर जाएगा लॉन्ग टर्म हो जाएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स वो म्यूचुअल फंड यूनिट्स होती हैं जहां पर ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम जहां पर 65% या ज्यादा उनका जो पैसा लगा हुआ, जो कॉर्पस हम उस बोलते हैं, वो इक्विटी की तरफ लगा होता है, उसको बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। 1 साल के बाद अगर आप उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा। यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI और जीरो कूपन बॉन्ड्स, याद कर लीजिएगा, ये 1 ईयर वाली बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 साल के बाद इनके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आने वाला है। 2 साल किस किस के लिए लेते हैं, 2 चीजें हैं, अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स, मैंने सिक्योरिटीज नहीं बोला यहाँ पर, शेयर्स बोला। अब देखो लिस्टेड शेयर्स हो या लिस्टेड कोई भी सिक्योरिटीज हो उसको तो 1 साल के बाद ही ले लीजिएगा, अनलिस्टेड शेयर्स को 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म खींचेगी। अनलिस्टेड शेयर्स मतलब जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स बोल सकते हैं, क्लोजली हेल्ड इस तरह के शेयर्स बोल सकते हैं जो अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं। अच्छा, अगर अनलिस्टेड डिबेंचर्स हो तो अनलिस्टेड डिबेंचर्स यहाँ पर भी नहीं आया और यहाँ तो अनलिस्टेड शेयर्स लिखा हुआ है, तो अनलिस्टेड डिबेंचर्स अगर आप बेचते हैं तो फिर वो 3 साल लिया जाएगा, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड को बेचें, बिल्डिंग को बेचें, पूरा लैंड और बिल्डिंग एक साथ बेचें, 2 साल के बाद ही लॉन्ग टर्म आ जाएगा, लैंड और बिल्डिंग और बोथ 2 साल के बाद ही उसको लॉन्ग टर्म कर दीजिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है इस बार, एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है Section 50AA, वहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स, याद आ गया होगा आपको ये बातें, अगर मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स या फिर कुछ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो ये हमेशा ही शॉर्ट टर्म होगा। अब इसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग हम देखेंगे नहीं, शॉर्ट टर्म होगा तो इसका मतलब इंडेक्सेशन भी नहीं होगी, ठीक है, और दूसरी बात इसके ऊपर वो कितने भी ईयर्स के लिए आपने पीरियड ऑफ होल्डिंग हो, 3 साल से ज्यादा, 2 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा, वट एवर द केस में भी हमेशा हमेशा ये शॉर्ट टर्म ही आने वाला है। तो प्लीज याद रखिएगा ये बातें आपको, क्योंकि अमेंडमेंट है, ये बातें आ सकती हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये एमसीक्यू में आ सकती है बातें। तो मार्केट लिंक डिबेंचर्स और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड यूनिट्स के लिए हमेशा शॉर्ट टर्म ही रहेगा। ओके, सो दिस वॉज, हमने डिस्कस किया चार्जिंग सेक्शन, हमने डिस्कस किया कैपिटल एसेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कब आता है, फिर बातें होती है कि हम अपने कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। तो सिंपल है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस को बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपेंसेस और ट्रांसफर आते हैं। तो आप इन तीनों को माइनस कीजिएगा, आपके पास कैपिटल गेन आ जाएगा। और अगर कुछ हम देखते हैं कि सेक्शन 54 की अगर कोई एग्जम्पशन अवेलेबल है तो हम वो ले लेते हैं, राइट, उसके बाद हमारा नेट कैपिटल गेन आ जाता है। अगर ये लॉन्ग टर्म है तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की इंडेक्सेशन भी करते हैं, करेक्ट। तो सेक्शन 48 कहते हैं कंप्यूटेशन हम कैसे करते हैं कैपिटल गेन की, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेलिंग प्राइस,
माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। अगर आप एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर पहले माइनस करके इसको नेट कंसिडरेशन भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, सिंपल है। वो चीज आप पहले माइनस करें या बाद में माइनस करें, बात एक ही होती है। मतलब ये तीनों कॉस्ट है आपकी। इंडेक्स अगर लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का इंडेक्सेशन भी होता है। ऑल दो कुछ ऐसे भी बातें होती है हमारी जहां पर लॉन्ग टर्म के बाद भी इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है, अभी मैं दो मिनट में कर लेता हूं। तो इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इन दोनों चीजों का आप इंडेक्सेशन करिएगा। इंडेक्सेशन कैसे करते हैं आपको पता है, सी आई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जनरली सी आई आपको एग्जाम में गिवन होता है, वैसे भी इस साल का जो सी आई है वो 348 है। इसको अगर आप याद करना चाहें तो इसको याद कर लीजिएगा, सी आई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाई सी आई ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, या फिर फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी। एसएससी के पास वो पहली बार कब आया था, बट आपके पास आपको पता है केस है मंजुला जे शाह का। अगर प्रीवियस ओनर के कंसेप्ट लगते हैं तो फिर हम प्रीवियस ओनर का होल्डिंग पीरियड ले लेते हैं और फिर डिनोमिनेटर में जो प्रीवियस ओनर के पास सबसे पहले कब आया था उसको वहां पर रख देते हैं। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सी आई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस साल आपने सी आई ट्रांसफर किया है, स्पेशली याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर वैसे केसेस हों जहां पर हमारा कैपिटल गेन किसी और ईयर में आता है, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इन स्टॉक इन ट्रेड, या फिर जब इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम मिलता है, या फिर कंपल्सरी एक्विजिशन के पैसे मिलते हैं, तो उस साल प्लीज याद रखिएगा सी आई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होता है। जिस अगर वो स्टॉक इन ट्रेड वाला कन्वर्जन का केस है तो जिस साल वो कन्वर्ट हुआ है स्टॉक इन ट्रेड में, उस साल का सी आई आपको न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ था, अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ था प्रीवियस ईयर 22-23 में, बट इसके जो पैसे मिलते हैं, जो हमारी कंपनसेशन मिली वो प्रीवियस ईयर 23-24 में मिली, हम लोग जानते हैं इसको टैक्सेबल तो हम इस ईयर में करेंगे, बट ट्रांसफर माना कब जाएगा, ट्रांसफर तो 22-23 में माना जाएगा ना, टैक्सेबल बाद में कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर में प्लीज सी आई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर ही रखेगा, जैसे मेरे वाले केस में 22-23 रखिएगा, पैसे इसके बाद में मिल रहे हैं, टैक्सेबल बाद में करेंगे, बट ट्रांसफर तो तभी हुआ ना, ठीक है। दूसरी बात आप जानते हैं कि अगर कोई भी असेट 1 अप्रैल 2001 से पहले का एक्वायर हो किया गया था, तो आपको पता है आपको सी आई तो पता नहीं होता उससे पहले का, क्योंकि लास्ट जो हमें सबसे फर्स्ट जो सी आई है हमारे पास वो प्रीवियस ईयर 2001 और 2 का, ठीक है, वो कितना है 100, उससे पहले का सी आई तो हमें पता नहीं है। तो अगर कोई भी असेट उससे पहले एक्वायर किया गया है तो उसका हम सी आई कितना लेंगे, अगर हम इंडेक्सेशन कर रहे हैं उसकी तो उसका सी आई लेंगे 100, राइट। और क्योंकि हम इस ईयर का सी आई ले रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू है, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, उसको हम कंपेयर करेंगे जो उसकी कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू है 1/4/2001 से, और विच एवर इज हायर असेसी उसको ले सकता है, राइट। बट लैंड एंड बिल्डिंग के केस में अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग 1/4/2001 से पुरानी है, ठीक है, तो अगर आप उसकी 1/4/2001 की वैल्यू ले रहे हैं, 2001 की वैल्यू ले रहे हैं, तो फेयर मार्केट वैल्यू के साथ साथ अगर आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी गिवन है उसकी, तो इन दोनों को पहले कंपेयर कीजिएगा। तो इन दोनों में से जो भी लोअर है आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसकी एक्चुअल कॉस्ट और ये वैल्यू विच एवर इज हायर वो आप देखेंगे। बट प्लीज याद रखिएगा 1/4/2001 से पुराने वाले अगर कोई भी असेट है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं एज ऑन 1/4/2001, अगर वो ज्यादा है तो विच एवर इज हायर। और लैंड एंड बिल्डिंग है तो प्लीज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को भी याद रखिएगा। तो असेट एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, सी आई 100 लेना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैन बी टेकन एज फेयर मार्केट वैल्यू अगर वो हायर है तो। बट लैंड एंड बिल्डिंग में याद कर लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी स्टैम्प जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दूसरे शब्दों में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज लोअर आपको लेनी हो। एनी इंप्रूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्योंकि आपने फेयर मार्केट वैल्यू ले ली है 1/4/2001 की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो उससे पहले का जो भी इंप्रूवमेंट है वो आप इग्नोर करते हैं। इनफैक्ट अगर आपने वो फेयर मार्केट वैल्यू ली भी नहीं है, हमेशा याद रखिएगा अगर हो सकता है कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट ही ज्यादा हो तो आपने वो वैल्यू ली हो, ऑब्वियसली एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर आप वो लेना चाहेंगे, एसएससी अपने बेनिफिट के लिए लेना चाहेगा। बट अगर उसने एक्चुअल कॉस्ट ली है तो क्या वो आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले सकता है पुराने वाले? नहीं, कभी भी पुराने वाले तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको मिलेंगे ही नहीं। तो एनी इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 इज टू बी इग्नोर्ड, उसको हमेशा इग्नोर करिएगा। तो आप अपने आपके क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर पूछता है कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दिया हुआ है पुराना वाला, तो वहां पर सिर्फ आपको एक नोट देना है कि बॉस ये पुराना कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की इंडेक्सेशन नहीं होती, अगर ये लॉन्ग टर्म भी है तो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की इंडेक्सेशन मत कीजिएगा, एक्सेप्ट कुछ बॉन्ड्स होते हैं, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सवर्न गोल्ड बॉन्ड्स, इनकी इंडेक्सेशन अलाउड, ठीक है।
और एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट भी आई है इस बार, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में कोई भी डिडक्शन अगर आप ले चुके हैं, जैसे कि जो आपकी प्रॉपर्टी है जो आप बेच रहे हैं, और अगर आप कोई भी डिडक्शन ले चुके हैं अंडर सेक्शन 24B क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर अंडर चैप्टर 6 है जो 80EA वगैरह होते हैं, ठीक है, जहां पर आपके पास प्रॉपर्टी थी और आपने वो इंटरेस्ट की डिडक्शन ली थी, तो अगर आप किसी भी चैप्टर 6 में या फिर 24B में अगर उस इंटरेस्ट की डिडक्शन ले चुके हैं, तो प्लीज उस इंटरेस्ट को कभी भी कॉस्ट का पार्ट या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का पार्ट मत बनाइएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 45(1)A। 45(1)A ये कहता है कि अगर कभी भी असेसी का कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, अगर उसका डिस्ट्रॉय हो गया और उसको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, अगर उसको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तब हम इसको कैपिटल असेट की डेफिनेशन में लेते हैं और कैपिटल गेन इसके ऊपर बनाएंगे, ट्रांसफर मानेंगे उसको, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल प्लीज यहाँ पर प्लीज बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करे, वो ये कहता है कि असेसी का असेट डिस्ट्रॉय हो गया बट वो इंश्योर नहीं था, कोई इंश्योरेंस से क्लेम नहीं मिला, तो क्या इस केस में कैपिटल लॉस आता है? द आंसर इज नो, उसको फिर हम ट्रांसफर ही नहीं मानते हैं। ट्रांसफर की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर असेट डिस्ट्रॉय हुआ प्लस साथ में इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है आपको, तब उसको ट्रांसफर मानिएगा, ठीक है। इसमें जिस साल वो डिस्ट्रॉय हुआ ट्रांसफर तो हो गया, बट इसको टैक्सेबल करते हैं जब एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम मिलता है, तो जितना भी क्लेम मिला वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। अगर वो क्लेम इन काइंड में मिल जाता है तो जितना भी वो इन काइंड मिल रहा है तो उसकी आप मार्केट वैल्यू ले सकते हैं एज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। दूसरा सेक्शन होता है 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। आपके पास एक कैपिटल असेट था, उसको आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, इसको जब कन्वर्जन है ट्रांसफर माना जाएगा, बट हम इसको अभी टैक्सेबल नहीं करते, इसको हम अभी टैक्सेबल नहीं करते जब एक्चुअली वो स्टॉक है, अब तो वो स्टॉक में कन्वर्ट हो गया, जब वो स्टॉक एक्चुअली में बेचा जाएगा, जिस साल वो एक्चुअली में सेल होता है उस साल हम उसकी इनकम अराइज करते हैं। उस साल दो इनकम आती है, PGBP की इनकम भी आती है और कैपिटल गेन की भी इनकम आती है। तो कैपिटल गेन की इनकम कैसे निकालेंगे? उस साल जिस साल एक्चुअली बेचा गया, ठीक है, उस साल कैपिटल गेन की इनकम आप निकालेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? जो मार्केट वैल्यू थी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जो मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन थी वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो इसका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो लेना है, और अगर वो पीरियड लॉन्ग टर्म था लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर इस पॉइंट पर असेट एक्वायर करा था, ये कैपिटल असेट था, इस पॉइंट पर आपने कन्वर्ट कर लिया इसको, तो इस पॉइंट पर जैसे ही आपने कैपिटल असेट को स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट किया, कैपिटल ट्रांसफर माना जाएगा, बट इसको टैक्सेबल अभी नहीं करते। थोड़े टाइम के बाद आपने इसको स्टॉक एंड ट्रेड तक की तरह ये होल्ड रहा, फिर उसके बाद एक्चुअली इसका सेल हो गया, तो जिस साल ये सेल हुआ है उसी ईयर में हमारी इनकम आती है कैपिटल गेन की भी, PGBP की। कैपिटल गेन की इनकम कैसे निकालते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कन्वर्जन के टाइम पर उसकी फुल फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी वो उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी इसकी कॉस्ट थी वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। ये पीरियड देखिएगा, अगर ये पीरियड हमारा 3 साल 2 साल 1 साल एज अ केस में भी जैसा भी असेट है उससे ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म भी कीजिएगा, फिर इस वैल्यू को इंडेक्सेशन भी करिएगा, ठीक है। PGBP की इनकम आएगी, जितने का बेचा गया वो आपकी PGBP की सेलिंग प्राइस होगी, और जो कन्वर्जन के समय इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी वो उसकी कॉस्ट होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की इनकम आपकी PGBP की होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इनकम आपकी कैपिटल गेन की होती है। ये बातें हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट आई बिलीव आपको ये बातें याद आ गई होंगी, ओके। नेक्स्ट सेक्शन होता है सेक्शन 45(5) कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट। अगर हमारा कोई भी कैपिटल असेट कंपलसरी एक्वायर हो जाता है, जनरली गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ऐसे लोग हमारा कोई भी कैपिटल असेट कंपलसरी एक्वायर कर लेते हैं, तो जितना भी हमें कंपनसेशन मिलता है वो हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी। जिस साल हमारा कंपलसरी एक्विजिशन हुआ ट्रांसफर हुआ, बट टैक्सेबल तब करते हैं जब एक्चुअली में हमें पैसे मिलते हैं कंपनसेशन के, ठीक है। जब कभी भी हमें ये कंपलसरी एक्विजिशन के हमें पैसे मिलेंगे तब उसको टैक्सेबल करेंगे। अगर वो पूरे पैसे ना मिलके पार्ट पैसे मिले तो भी हम उसको पूरा टैक्सेबल कर देते हैं। जितना भी हमारा कंपनसेशन डिसाइड हुआ था वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप देख सकते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म था, जब से कब तक देखेंगे, जब से आपने इसको एक्वायर किया था और जब तक ये कंपलसरी एक्वायर हुआ, ये पीरियड आप देखिएगा, क्या ये पीरियड लॉन्ग टर्म है तो फिर इसकी इंडेक्सेशन भी होगी, और ये पीरियड अगर शॉर्ट टर्म है तो फिर इंडेक्सेशन नहीं होगी। सिंपल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर अगर है तो वो माइनस कर दीजिएगा, ठीक है।
बाद में अगर आपको ये लगता है कि मुझे कंपनसेशन कम मिला है तो आप कोर्ट में केस कर देते हैं या फिर उनको एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे कंपनसेशन कम मिली है। और इन केस अगर आपको इनहेंस कंपनसेशन मिल जाती है तो जिस भी ईयर में इनहेंस कंपनसेशन मिलती है दोबारा से कैपिटल गेन आएगा, ठीक है। कोई और एक्सपेंसेस वहां से माइनस नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अगर कोई लीगल एक्सपेंसेस आए हैं, लिटिगेशन एक्सपेंसेस आए हैं, तो वो माइनस हो सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी जीरो ही रहेगी, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले से आप इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्लेम कर चुके थे जब आपको ओरिजिनल कंपनसेशन मिला था, राइट। अगर इनहेंस कंपनसेशन के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलता है तो जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो कैपिटल गेन मत बनाइएगा, वो आईएफओएस की इनकम बनती है और आप जानते हैं उसको 50% इसको टैक्सेबल कर देते हैं, ठीक है। और इनकेस अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इंटरिम ऑर्डर अभी पास हुआ है किसी कोर्ट का, इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है अभी टेम्परेरी ऑर्डर कोर्ट ने पास कर दिया है, उस समय अगर जब आपको पैसे मिलते हैं उसको टैक्सेबल मत करिएगा। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें, इंटरिम ऑर्डर ऑर्डर पर टैक्सेबल मत कीजिएगा। जिस ईयर में भी फाइनल ऑर्डर आ जाएगा फिर जितने भी पैसे मेरे इंटरिम ऑर्डर पर मिले थे वो टैक्सेबल हो जाएंगे उस ईयर में जिस सर फाइनल ऑर्डर पास होगा, ठीक है। और इनकेस अगर ये कंपनसेशन हमारी रिड्यूस हो जाती है तो हमारा जो पुराना कैपिटल गेन था जो हमने निकाला था उसको रिकम्प्यूटेशन करनी पड़ेगी, तो हमारी पुरानी किताबें जाकर ओपन होंगी और उसकी रिकम्प्यूटेशन होगा अगर ये कंपनसेशन हमारा रिड्यूस हो गया तो। याद आ गई आपको बातें ये वाली, ओके। सेक्शन 46 होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय कंपनी ऑन लिक्विडेशन। अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो शेयर होल्डर्स को वो अपने बोलती है, पहले जो सभी लिक्विडेशन के समय पहले आउटसाइडर्स वगैरह को सबको पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद अगर कुछ असेट्स या कुछ पैसे कंपनी के पास बच जाते हैं तो अपने शेयर होल्डर्स को बोलती है कि अब आप आ जाइए, अपने शेयर सरेंडर कीजिए और हमसे ये पैसे ले लीजिए। तो जिस साल कंपनी लिक्विडेट होती है, ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि हमारे शेयर्स होल्डर्स को बुलाया जाता है, उनके शेयर्स के पैसे उनको दिए जाते हैं, तो इसको हम कैपिटल गेन बनाएंगे। किसके हाथों में? शेयर होल्डर के हाथों में, क्योंकि शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं और उनको लिक्विडेशन के टाइम पर उनको पैसे मिल रहे हैं, करेक्ट। अगर इसमें उस समय कंपनी के पास लिक्विडेशन के टाइम पर अगर कंपनी के पास कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स था तो इसके ऊपर सेक्शन 222C के प्रोविजंस लग जाते हैं डीम्ड डिविडेंड के। तो जितना भी टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो शेयर होल्डर्स के हाथों में डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट लग जाता है। अब डिपेंड करता है अगर हमारे शेयर होल्डर के पास फॉर एग्जाम्पल 10% शेयर थे, 20% शेयर थे, जितने भी शेयर थे उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का उतना परसेंट उसका डीम डिविडेंड बनाइएगा और बाकी का जो अमाउंट मिला वो उसके शेयर्स के पैसे मिले, उतना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शेयर्स का। तो जितना भी हमें पैसे मिल रहे हैं, जितना भी हमें कैश मिल रहा है कंपनी की तरफ से या अदर एसेट्स मिल रहे हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू ले लीजिएगा। तो ये जितना भी अमाउंट है क्या ये हमारे शेयर्स का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा? नहीं, इसमें से माइनस कीजिएगा डीम्ड डिविडेंड। इसमें से डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C वाला क्या होता है, ये कितना होता है? जितने कंपनी के पास लिक्विडेशन के समय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे वो माइनस कीजिएगा, बाकी का अमाउंट बनता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, राइट। और अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो कि है जो हमारा शेयर होल्डर था वो 20% शेयर होल्डर का, 30% शेयर होल्डर था, 40% शेयर होल्डर था, तो अगर आप ये पूरे सिर्फ हमारे अपने शेयर होल्डर के लिए कर रहे हैं तो एक्यूमुलेट प्रॉफिट का फिर उसी परसेंटेज के हिसाब से ही माइनस कीजिएगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा एक्यूमुलेट प्रॉफिट माइनस कीजिएगा, वो तो सभी शेयर होल्डर्स का है ना, तो उसमें देखना पड़ेगा कि हमारे वाले शेयर होल्डर का कितना पोर्शन अवेलेबल था। तो दिस वाज सेक्शन 46। तो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है और अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो शेयर होल्डर्स के हाथों में कैपिटल गेन आता है, बट जितना टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना उसका शेयर है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में वो डीम डिविडेंड बनता है 222C में। बायबैक, अगर कंपनी बायबैक करती है शेयर्स अपने तो ठीक है, इनफैक्ट अगर वो सेक्शन 46 से दोनों के ऊपर लगता है बायबैक ऑफ शेयर्स और बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। जनरली हमारे एग्जाम के लिए शेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सिक्योरिटीज भी मैं बता देता हूँ, पहले शेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स बायबैक कर रही है, चाहे वो लिस्टेड कंपनी है या फिर वो अनलिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, दोनों के लिए सेम प्रोविजन है। अगर शेयर्स का बायबैक हो रहा है, सिक्योरिटीज का नहीं, अगर शेयर्स का बायबैक हो रहा है बाय डोमेस्टिक कंपनी, नॉट बाय फॉरेन कंपनी, बाय डोमेस्टिक कंपनी अगर बायबैक हो रहा है तो यहां पर हम इसको टैक्सेबल करते हैं इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर्स के हाथों में टैक्सेबल नहीं करते, इन द हैंड्स ऑफ कंपनी टैक्सेबल करते हैं। और कंपनी के ऊपर एक स्पेशल रेट है 20% का प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस, तो ये कंपनी के हाथों में टैक्सेबल रहना चाहिए। ऑल तो मैं जानता हूं यहां पर कि एक्चुअली बायबैक हो रहा है, शेयर होल्डर अपने शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है और उसको पैसे मिल रहे हैं, जनरली शेयर होल्डर की इनकम होनी चाहिए, बट इसको टैक्सेबल किया गया इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। अगर अदर देन शेयर्स
ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर अदर देन अदर सिक्योरिटीज बायबैक हो रही हैं, या फिर फॉरेन कंपनी अगर शेयर्स अपने बायबैक कर रही है, तो फिर शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल होगा। फिर हम कंपनी के हाथों में टैक्सेबल नहीं करेंगे अदर सिक्योरिटीज के लिए, सिर्फ शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल करेंगे। जितना भी उसको बायबैक पर पैसा मिला है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जितना भी उसने ये सिक्योरिटीज खरीदी थी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाती है। अगर इंडेक्सेशन अवेलेबल है तो इंडेक्सेशन भी करेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर बायबैक कंपनी डोमेस्टिक कंपनी कर रही है, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड कंपनी हो, तो कंपनी के हाथों में इसको टैक्सेबल करते हैं, तो क्या शेयर होल्डर को भी टैक्स देना पड़ता है? नहीं, फिर शेयर होल्डर के हाथों में ये एग्जेम्प्ट रहता है। सेक्शन 47 एक काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन्स नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जहां पर हमें लगेगा कि ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल एसेट, बट इसको हम ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं मानते, और अगर ट्रांसफर नहीं मानते तो कैपिटल गेन भी अराइज नहीं होगा। तो अगर कोई भी HUF का पार्टीशन हो रहा है, चाहे वो पार्शल पार्टीशन हो या फिर वो कंप्लीट पार्टीशन हो, अगर HUF का पार्टीशन हो रहा है तो जितना भी कैपिटल एसेट अगर HUF अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। माना जाएगा कि HUF जो ट्रांसफर कर रही है उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। अगर आप ट्रांसफर करते हैं कोई भी कैपिटल एसेट एज गिफ्ट, विल या इरिवोकेबल ट्रस्ट, अगर मैंने कोई आपको कैपिटल एसेट गिफ्ट में दे दिया तो मेरे ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा बाय वे ऑफ विल, बाय वे ऑफ इरिवोकेबल ट्रस्ट। अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी 100% सब्सिडरी, और वो कैसी सब्सिडरी है, इंडियन सब्सिडरी, जो रिसीवर है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी 100% सब्सिडरी को, जहां पर वो 100% उसके शेयर्स होल्ड करती है, तो अगर एक होल्डिंग कंपनी 100% सब्सिडरी को करे, या फिर एक सब्सिडरी अपनी 100% होल्डिंग कंपनी को, वाइस वर्सा, भी दोनों ही यहां पर केस एप्लीकेबल हैं, तो ट्रांसफर इसको नहीं मानेंगे, कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे, प्रोवाइडेड जो रिसीवर कंपनी है वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अगर वो एक फॉरेन कंपनी है तो फिर ये सेक्शन नहीं लगेगा, फिर तो टैक्सेबल हो जाएगा, बट अगर वो इंडियन कंपनी, और दूसरी बात 100% सब्सिडरी थी वो हमारी, तब हम कैपिटल गेन नहीं लगाते, करेक्ट। अगर कोई भी कंपनी का अमलगमेशन हो रहा है या डीमर्जर हो रहा है, तो अगर कंपनी का अमलगमेशन हो रहा है और वो अमलगमेटेड कंपनी में जाकर मर्ज हो रही है, तो उस केस में भी कोई जितने भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर होते हैं अमलगमेशन के समय, कंपनी के ऊपर कोई कैपिटल गेन लगाया नहीं जाता। सिमिलरली अगर कंपनी स्प्लिट हो रही है, यानी कि डीमर्ज हो रही है, तो डीमर्ज कंपनी के हाथों में कोई भी कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर भी करा है हमने रिजल्टिंग कंपनी को, तो भी हम कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। सेक्शन 47 में कवर्ड होता है। इनफैक्ट जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर अमलगमेटेड कंपनी के कोई भी शेयर होल्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एग्जांपल दिया था मैंने फ्लिपकार्ट मिंत्रा वगैरह का डिटेल्ड में भी और रेगुलर क्लासेस में भी, तो इनकेस अगर अमलगमेशन हो रहा है और आपके पास एक पुरानी कंपनी के, पुरानी कंपनी का नाम क्या होता है, अमलगमेटिंग कंपनी, अगर आपके पास पुरानी कंपनी के शेयर्स थे और वो अमलगमेशन के समय फिर आपको नए शेयर्स दिए जाते हैं अमलगमेटेड कंपनी के, तो शेयर होल्डर के हाथों में भी कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। हाँ, जब वो अपने वो नए शेयर्स जो उसको मिले हैं अमलगमेटेड कंपनी के, जब वो आगे इसको फर्दर सेल आउट करेगा, तब उसका कैपिटल गेन आ जाएगा, और हम पुराने जो शेयर्स थे उसके, जो अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स उसने खरीदे थे, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं, और शुरू से ही आपका होल्डिंग पीरियड भी माना जाएगा। इंडेक्सेशन अगर है तो वो शुरू से होगी, ठीक है, जब से आपने पुरानी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। सेम कंसेप्ट लगता है अगर डीमर्जर में, अगर आपके पास ऑलरेडी पुरानी कंपनी के, जो डीमर्ज्ड कंपनी हो गई है, अगर आपके पास उसके शेयर्स थे, उसके बाद आपको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, तो जब वो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिलेंगे तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। बट अगर कभी भी आप रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स बेचेंगे, रिजल्टिंग कंपनी के जब कभी भी शेयर्स बेचेंगे, तो कैपिटल गेन आएगा, और होल्डिंग पीरियड हम शुरू से लेंगे, और कॉस्ट क्या कौन सी लेंगे, शुरू से जितने आपने डीमर्ज कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, और उसको प्रोपोर्शन कर लीजिएगा कितना परसेंट जब डीमर्जर हुआ था तो कितना असेट्स रिजल्टिंग की तरफ गए थे, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, लेट्स से 25% असेट्स रिजल्टिंग की तरफ गए थे, तो आपका जो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, जो कॉस्ट का है वो प्रोपोर्शन कर दीजिएगा, सिर्फ कॉस्ट 25% ही लीजिएगा उस समय, जो भी आपका फॉर एग्जांपल एक शेयर 100 रुपए का था, और अगर 25% अगर कंपनी डीमर्ज होकर एक नई रिजल्टिंग कंपनी बनी है, उसने हमने 25% असेट्स ट्रांसफर करे हैं, तो आपकी जो कॉस्ट थी वो 100 रुपए थी, वो 100 रुपए पूरे शेयर की थी, तो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, आप उसी के हिसाब से प्रोपोर्शनेट उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हमारे पास डिबेंचर्स हैं या बॉन्ड्स हैं, अगर हमारे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, तो अगर ये शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं तो कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, जो हमारे आरडीबीज होते हैं, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, अगर एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर करता है, तो इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा।
सवन गोल्ड बॉन्ड, सवन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर देखो याद करिए इंडेक्सेशन इसकी होती है, इंडेक्सेशन जनरली बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की इंडेक्सेशन नहीं होती, बट उसकी एक्सेप्शन थी, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स की इंडेक्सेशन होगी, सवन गोल्ड बॉन्ड्स की इंडेक्सेशन होगी। बट अगर इंडिविजुअल के केस में अगर सवन गोल्ड बॉन्ड्स हम नॉर्मली बेच देते हैं तो कैपिटल गेन आएगा, ठीक है, बट इंडिविजुअल के केस में अगर रिडम्पशन के टाइम पर उसको पैसे मिल रहे हैं, सवन गोल्ड बॉन्ड्स को रिडीम कर रहा है, उसके राइट्स वास्ते एक्सटिंग्विश हो रहे हैं, बट रिडम्पशन के टाइम पर अगर असेसी इंडिविजुअल है तो कैपिटल गेन नहीं आएगा, वो ट्रांसफर नहीं माना गया, राइट। अगर हम पेंटिंग्स ड्राइंग स्कल्पचर्स, याद कीजिएगा पेंटिंग्स ड्राइंग स्कल्पचर्स आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी वर्क ऑफ आर्ट को बेचने पर कैपिटल गेन आएगा, पर्सनल है, मूवेबल है, बट फिर भी एक्सेप्शन में आते हैं, इसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा। अगर आप वॉलंटरी किसी को बेचेंगे तो कैपिटल गेन है, बट अगर आपको ये देना पड़ रहा है किसको, अगर आप दे रहे हैं इसको गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को या किसी नेशनल म्यूजियम को, नेशनल आर्काइव्स को, किसी आर्ट गैलरी को, अगर आप नेशनल आर्ट गैलरी को, मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट को अगर आप इसको दे रहे हैं तो कैपिटल गेन नहीं आएगा, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये अमेंडमेंट आई है। अगर आज हम अपना फिजिकल गोल्ड को, हम अपने फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक रिसिट्स में कन्वर्ट कराते हैं, ईजीआर में कन्वर्ट करा लेते हैं, तो जब भी हमने अपने फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में कन्वर्ट कराया या कभी वाइस वर्सा ईजीआर को हमने फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कराया, तो उस समय उस कन्वर्जन के ऊपर कैपिटल गेन नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फिजिकल गोल्ड था, हमने उसको ईजीआर में कन्वर्ट कराया, ठीक है, तो कैपिटल गेन नहीं आएगा इस कन्वर्जन पर। अगर बाद में हमने ईजीआर बेच दिया तब ईजीआर बेचने पर कैपिटल गेन आएगा, राइट, बट कन्वर्जन के समय कैपिटल गेन नहीं आएगा। सिमिलरली अगर बाद में हमारे पास ईजीआर थे फॉर एग्जांपल और हम इसको सिंपल ईजीआर को अपने गोल्ड में कन्वर्ट करा रहे हैं फिजिकल गोल्ड में, तो भी यहाँ पर कैपिटल गेन नहीं आएगा। याद रखिएगा गोल्ड बेचेंगे कैपिटल गेन आएगा, ईजीआर बेचेंगे कैपिटल गेन आएगा, बट कन्वर्जन करते समय इधर फ्रॉम फिजिकल गोल्ड टू ईजीआर और फ्रॉम ईजीआर टू फिजिकल गोल्ड तब हम कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे आपका, ठीक है। और रिवर्स मॉर्गेज आप जानते हैं, ठीक है, बूढ़े माँ बाप के एग्जांपल सब लोगों को पता है, तो रिवर्स मॉर्गेज के केस में भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। सेक्शन 50, अगर कोई भी हमारा डेप्रिशिएबल असेट है, कोई भी हमारा बिजनेस का प्रोफेशन का असेट था जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं एज पर WDV मेथड, एज पर ब्लॉक ऑफ असेट्स, तो अगर हम उसको बेचते हैं तो क्या कैपिटल गेन आएगा, डिपेंड करता है, ठीक है। क्या हमारा का पूरा ब्लॉक बेचा जा रहा है तब कैपिटल गेन आता है, और हमेशा सेक्शन 50 में जो कैपिटल गेन आएगा वो हमेशा ही शॉर्ट टर्म होगा, याद कर लीजिएगा। डेप्रिशिएबल असेट्स हैं, ठीक है, आप पुरानी वैल्यू लेते नहीं, डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेते हैं, तो हमेशा शॉर्ट टर्म आएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का होता था, तो सेक्शन 50 की जो कंप्यूटेशन है बिल्कुल सेम वैसी है जैसे सेक्शन 32 की होती थी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पूरा का पूरा ब्लॉक ही बेच दिया तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आ सकता है, बट वो शॉर्ट टर्म होगा। या फिर अगर आपने पार्ट ऑफ द ब्लॉक बेचा है, अगर पार्ट ऑफ द ब्लॉक बेचा है बट फिर भी आपके पास असेट्स बचे हुए हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ द ब्लॉक बचा है, बेचा है, तो यानी कि बाकी के असेट्स अभी बचे हुए हैं और आपके पास वैल्यू भी बची हुई है, तो उस केस में आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, कैपिटल गेन नहीं आता है। बट अगर आपने उसको पार्ट ऑफ द ब्लॉक को इतना ज्यादा प्राइस का बेच दिया कि जो आपकी ओपनिंग वैल्यू थी या एडिशन ड्यूरिंग द ईयर था उससे भी ज्यादा वैल्यू का आपने पार्ट ऑफ द ब्लॉक बेच दिया, तो उस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है, ठीक है। तो आपको याद आ गया होगा सेक्शन 50 डेप्रिशिएबल असेट का होता है, और याद कर लीजिएगा सेक्शन 50 जो डेप्रिशिएबल असेट्स हैं WDV मेथड जिसके ऊपर आप चार्ज करते हैं उसके ऊपर हमेशा ही हमेशा शॉर्ट टर्म गेन आने वाला है, शॉर्ट टर्म गेन या लॉस, लॉन्ग टर्म नहीं होगा इसके ऊपर। सेक्शन 50A, सेक्शन 50 होता है अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा असेट है जिसके आप इंडिविजुअल इसके ऊपर आप डिडक्शन या डेप्रिसिएशन लगाते थे, फॉर एग्जाम्पल पावर जनरेटिंग का असेट था जिसके ऊपर आप SLM से डेप्रिसिएशन लगाते थे, या फिर कोई ऐसा असेट था जो इंडिविजुअल असेट था जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिफिक रिसर्च का असेट था, ठीक है, आप इंडिविजुअली असेट्स के ऊपर 100% डिडक्शन ले लेते हैं। अगर आप ऐसा असेट्स बेचते हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल असेट्स होते हैं, तो कैपिटल गेन आएगा, और यहाँ पर कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो कॉस्ट होती है वो पुरानी होती है, तो आप इसके ऊपर लॉन्ग टर्म भी निकाल सकते हैं। तो ये नंबर लाइन मैं काफी बार डिस्कस करता हूँ, इनफैक्ट मैंने PGPP में भी इसको काफी बार डिस्कस किया था। तो आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है, ओरिजिनल कॉस्ट से फॉर एग्जाम्पल ये सेक्शन 35 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सेक्शन 35 यानी कि साइंटिफिक रिसर्च का असेट था जिसके ऊपर आपने 100% डिडक्शन ली होगी, तो अगर आपने इस पर 100% डिडक्शन ली होगी तो इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू जीरो आ गई होगी। तो जब कभी भी आप इसको बेचेंगे, अप टू ओरिजिनल कॉस्ट तक तो PGPP की इनकम होती है, बट ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर जो इनकम होती है वो कैपिटल गेन की इनकम होती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये असेट 10 लाख रुपीज का था
और सेक्शन 35 में आपने इसमें डिडक्शन ली थी, 35 में डिडक्शन ली थी और इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू इस समय जीरो है क्योंकि 100% डिडक्शन ले ली गई थी। और अगर आपने ये एसेट फॉर एग्जांपल 7 लाख का बेचा, 8 लाख का बेचा, 9 लाख का बेचा, 10 लाख का बेचा, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर बेचा ही नहीं, तो ये ग्रीन वाला एरिया आ जाएगा, ये तो आपकी पीजीवीपी इनकम है, ठीक है, कैपिटल गेन नहीं आएगा। बट अगर आपने ये एसेट 10 लाख से ऊपर का बेचा, फॉर एग्जाम्पल 12 लाख का बेचा, 10 से ऊपर का बेचा, तब आपका कैपिटल गेन की भी कैलकुलेशन आएगी। सबसे पहले 0 से 10 लाख तक तो पीजीवीपी इनकम, और 10 लाख से जो ऊपर आ रहा है वो कैपिटल गेन आएगा। बट आप इसको कैसे निकालेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 12 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी, ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख, तो आपका 2 लाख रुपीज का गेन आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हाँ, और अगर ये होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा था तो फिर आप इस 10 लाख का इंडेक्सेशन भी करेंगे, इस 10 लाख का प्लीज इंडेक्सेशन भी करिएगा, उस केस में लॉन्ग टर्म भी आ सकता है। तो सेक्शन 50 में तो हमेशा जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं WDV मेथड से, इसके ऊपर तो हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगा, बट 50A में याद कर लीजिएगा, शॉर्ट टर्म भी आ सकता है, लॉन्ग टर्म भी आ सकता है, राइट। और हाँ, अगर आपने रिटर्न डाउन वैल्यू से कम का सेट बेचा है तो आपका पीजीबीपी का लॉस आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्शन 35 में तो ऑब्वियसली ये जीरो हो जाती है वैल्यू, तो जीरो से कम का तो नहीं बेचेंगे, बट पावर जनरेटिंग यूनिट्स में फॉर एग्जांपल ये एसेट आपने 10 लाख का खरीदा था और इस पे 1 लाख का स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन लगता है, फॉर एग्जांपल इस पे 4 साल हो चुके हैं तो 1 लाख करके 4 लाख का डेप्रिसिएशन आ चुका है और इस समय इसकी वैल्यू 6 लाख रुपीज की, तो 6 लाख से अगर कम का बेचेंगे तो वो तो पीजीबीपी का लॉस माना जाता है। और आपको अगर याद होगा तो एक वर्ड हम यूज करते हैं उसके लिए, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ओके, सेक्शन 50B स्लम सेल का होता है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है ये, ठीक है, इसके बारे में अक्सर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। स्लम सेल का, स्लम सेल होता है कि जब आपने अपनी पूरी पूरी अंडरटेकिंग बेच दी है, पूरी पूरी यूनिट बेच दी है बिना इंडिविजुअल एसेट्स के ऊपर वैल्यू असाइन करे, ठीक है, आपने पूरा एक लमसम वैल्यू में इसको बेच दिया है, तो सबसे पहले आप उसको कैसे करते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह, ठीक है, एक्सपेंसिव एंड ट्रांसफर तो माइनस कर सकते हैं बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह हम इसकी नेटवर्थ देखते हैं, तो आपकी इस अंडरटेकिंग की, इस यूनिट की नेटवर्थ कितनी थी। तो यहाँ पर एक डिफरेंस ये आता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में हम लोग देखते हैं इसकी नेटवर्थ, वो दोनों नहीं लेते हम, इसकी नेटवर्थ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी लेनी है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेनी है आपको जितना भी आपने इसको बेचा, सेलिंग प्राइस और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। इसके ऊपर कुछ रूल्स भी होते हैं जो हम अपने फाइनल लेवल में डिस्कस करेंगे, अभी इंटरमीडिएट के लिए सिर्फ आपको इतना देखना है जितना भी इसका सेलिंग प्राइस था या जब आपने इसको बेचा तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, तो सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको बेचा है लेट्स से 90 लाख रुपीज का और जब आपने बेचा था, एक क्वेश्चन में आपको गिवन था कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल 98 लाख रुपीस थी, तो प्लीज 98 लाख ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लीजिएगा विच एवर इज हायर, ठीक है। तो एक तो ये बात याद रखिएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह आपको नेटवर्थ लेनी है। नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपके पास टोटल असेट्स हैं, जो टोटल असेट्स में से माइनस आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दीजिए। आउटसाइड लायबिलिटी क्या होता है, जैसे बैंक लोन माइनस करिएगा, क्रेडिटर्स माइनस कीजिएगा, डिबेंचर्स माइनस कीजिएगा, ठीक है। इंटरनल लायबिलिटी जैसे रिजर्व्स हो गया, शेयर कैपिटल, वो माइनस नहीं करना है आपको, नॉर्मल आउटसाइड लायबिलिटीज आपको माइनस करनी पड़ती है जिससे कि आप अपनी अंडरटेकिंग की नेटवर्थ निकाल सके। जब आप अपने असेट्स को ऐड करेंगे, मैंने कहा टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, अगर आपके असेट्स में कोई भी फिक्स्टिशियस असेट्स है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको मत लीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस वहां पर आ रहा है, फिक्स्टिशियस असेट है, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, या कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर करके फिक्स्टिशियस असेट है, क्योंकि वो आपका असेट होता नहीं ना, तो सिंपल याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सोचिए आपको उस अंडरटेकिंग की वर्थ निकालनी है, नेट वर्थ निकालनी है, तो फिक्स्टिशियस असेट्स तो नाम के असेट्स होते हैं, वैसे तो वो असेट्स होते नहीं है, राइट, तो उसको आपको इग्नोर करना होगा। दूसरी बात, यहां पर असेसी कोशिश करेगा कि वो अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर सके। कॉस्ट क्या है यहां पर, नेटवर्थ। वो सोचेगा कि जितना मैं ज्यादा अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर सकूं उतना मेरा कैपिटल गेन कम आएगा, तो वो कोशिश क्या करेगा, वो अपने किसी असेट को रिवैल्यू करा होगा उसने, तो अगर उसने अपने किसी भी असेट को रिवैल्यू करा हुआ है तो प्लीज उसको रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आपको नलीफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बिल्डिंग को अगर उसने फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज से रिवैल्यू करा हुआ है तो प्लीज आप उसको वापस पुरानी वैल्यू पर लाकर ही कैलकुलेट कीजिएगा नेटवर्थ, ठीक है। तो अगर कोई भी रिवैल्यूएशन करा हुआ है तो प्लीज उसको इग्नोर कर दीजिएगा। स्लम सेल का जब असेट आप बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म आता है या शॉर्ट टर्म आता है, दोनों ही आ सकते हैं, डिपेंड करता है वो आपकी अंडरटेकिंग कितनी पुरानी है। अगर वो अंडरटेकिंग 3 साल से ज्यादा पुरानी हो तो लॉन्ग टर्म आएगा, और अदरवाइज शॉर्ट टर्म आएगा। तो लॉन्ग टर्म आएगा तो क्या हमें नेटवर्थ की इंडेक्सेशन करनी है, नहीं, स्लम सेल में हम कोई इंडेक्सेशन नहीं करते हैं,
ठीक है, कोई भी बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं मिलता है स्लम सेल में। आगे आ जाइएगा, सेक्शन 50C एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये। एक्चुअली लगता है कि जब आपने अपने लैंड या बिल्डिंग इस तरीके से रियल एस्टेट्स आपने बेची हो, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम जब भी आपने जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी आपका सेलिंग प्राइस है, उसको हम कंपेयर करते हैं आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। अगर इसके बीच में 10% तक का वेरिएशन है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है, कितना जो भी आप सेलिंग प्राइस बोल रहे हैं उसमें 10% ऐड कर लीजिए। सिंपल मैं अगर बातें करूं तो उसका 110% करके देख लीजिएगा, 10% ऐड कीजिए, ये सिंपल कैलकुलेटर में 110% कीजिए, बात एक ही है। तो अगर आपकी स्टैम्प वैल्यू अभी भी ज़्यादा है, 110% तक है या उससे कम है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका सेलिंग प्राइस ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। बट अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ सेलिंग प्राइस से भी ज्यादा है, तो फिर हम आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 50C, करेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या जिस हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब किस दिन की लेनी चाहिए, तो जिस साल जिस दिन हमारा ये असेट ट्रांसफर हुआ है, यानी कि जिस दिन की रजिस्ट्रेशन डेट है, वो हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी चाहिए। बट अगर असेसी ये प्रूफ करता है कि नहीं सर, एक्चुअली ये जो मेरी ट्रांजेक्शन हुई थी ये काफ़ी पहले हुई थी, हमारे पास एक पुराना एग्रीमेंट है, तो अगर असेसी ये प्रूफ कर देता है कि उसके पास एक पुराना एग्रीमेंट है, प्लस साथ साथ में उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उस एग्रीमेंट डेट पर उसने कुछ ना कुछ पैसे, ठीक है, बायर से लिए थे इन द फॉर्म ऑफ बैंकिंग चैनल, इन द कैश के थ्रू नहीं, बेयर चेक के थ्रू नहीं, इट शुड बी बाय वे ऑफ अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, कोई ना कोई बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर आपने पैसे लिए थे, ठीक है, जरूरी है पूरे पैसे, अगर पार्ट ऑफ द पैसे, पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन भी अगर आपने ली थी, थोड़े बहुत पैसे भी लिए थे, तो आप ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये पुरानी ट्रांजेक्शन है, तो उस समय फिर हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट लेते हैं, करेक्ट। तो जनरली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी चाहिए हमें एट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की, बट अगर पुराना एग्रीमेंट है और साथ साथ में ये प्रूव हो जाए, अगर कैश में पैसे लिए थे फिर मत मानिएगा, बैंकिंग चैनल के थ्रू लिए थे, तब आप उसकी पुरानी वैल्यू ले सकते हैं, राइट। दूसरी बात होती है यहाँ पर, अगर हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को क्या चैलेंज कर सकते हैं, हाँ, अगर आपने कोई इसको किसी कोर्ट वगैरह में, किसी अपील वगैरह में अभी तक चैलेंज नहीं किया है, तो आप असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट कीजिए कि सर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअली ठीक वैल्यू नहीं है, इसकी मार्केट वैल्यू कुछ और है, तो उस केस में वो वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद लेता है, तो फिर जो वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू निकालता है फिर हम उसको कंसिडर करते हैं। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम वैल्यू ले आता है फिर हम उसकी वो वैल्यू लेंगे, बट अगर स्टैम्प वैल्यूएशन ऑफिसर ज्यादा वैल्यू ले आता है तो फिर हम उसकी वो वैल्यू इग्नोर कर देंगे, फिर तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही ठीक रहेगी, ठीक है। कम वैल्यू आता है तो उसकी कम वैल्यू ले सकते हैं, हाँ, पर इतने भी कम ना ले आए जो आपकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस से कम हो जाए, एक्चुअल सेलिंग प्राइस से तो कम आप जा ही नहीं सकते, ठीक है। सो दिस सेक्शन 50C वॉज इंपॉर्टेंट। 50CA होता है जो अनकोटेड शेयर्स होते हैं, मतलब अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं, जिनकी आप लिस्ट जो मेनली प्राइवेट कंपनीज होती हैं, फिर ऐसी कंपनीज जिनके शेयर्स ट्रेड नहीं होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, उसके लिए हम लोग जो सेलिंग प्राइस होता है, इट शुड नॉट बी लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू, ये एक इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। 50CA एक सेक्शन है, वो कहता है कि अगर आप अनकोटेड शेयर, अनलिस्टेड शेयर्स अगर आप बेच रहे हैं, तो जितने का भी आप बेच रहे हैं हम उसको कंपेयर करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू से, राइट। सेक्शन 50D होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर अनअसर्टेनेबल हो, अगर आपने कोई ऐसा एसेट बेचा है और उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन असर्टेन नहीं हो पा रही है, जो भी उसकी जिस दिन वो बेचा गया है, जिस दिन उसका ट्रांसफर हो रहा है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ही उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाती है। सेक्शन 51 एडवांस मनी फोरफीटेड, अगर देखिए कोई भी आपने कोई नेगोशिएशन चल रही थी, अपना कैपिटल असेट बेचना चाह रहे थे और आपने वो कुछ बायर से कुछ टोकन मनी ले लिया, बट बाद में वो नेगोशिएशंस, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फुलफिल नहीं हो पाया, बीच में ब्रीच हो गया, तो अगर आपने कोई भी पैसा फोरफीट कर लिया है तो क्या वो आपकी इनकम बन जाती है? द आंसर इज यस, वो आज आपकी IFOS की इनकम बन जाती है, बट पहले लॉ ऐसा नहीं होता था, ठीक है। अगर ये आपने अमाउंट फोरफीट किया है 1/4/2014 या उसके बाद, 1/4/2014 या उसके बाद आपने फोरफीट किया है, तो जिस ईयर फोरफीट हुआ है उसी साल वो आपके IFOS की इनकम बन जाएगी। बट अगर कोई भी अमाउंट फोरफीट किया गया था उससे पहले, यानी कि बिफोर 1/4/2014 से पहले अगर अमाउंट फोरफीट किया गया था, तो असेसी ने, जिस असेसी ने अमाउंट फोरफीट किया है, अगर वो असेसी उसको बाद में ट्रांसफर करता है तो उसकी कॉस्ट में से रिड्यूस हो जाएगा। वही असेसी इसको ट्रांसफर कर रहा है जिसने पैसा फोरफीट किया था, तब उसकी हम कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जितना का वो बेच रहा है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसकी कॉस्ट क्या लेंगे? जितना भी उसने पैसा फोरफीट किया था। बट अगर ये एसेट कोई और बेचता है फिर उसकी कॉस्ट में से रिड्यूस मत कीजिएगा, ठीक है, सिर्फ उसी की कॉस्ट में से रिड्यूस कीजिएगा जिसने ये पैसा फोरफीट किया था, ठीक है। कैपिटल गेन इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट, सेक्शन 54 जो
एग्जम्पशन से वो मैं अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, पहले हम बाकी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जो सेल्फ जनरेटेड असेट्स होते हैं, यहाँ पर भी एक छोटा सा चेंज आया है। गुडविल ऑफ अ बिजनेस या प्रोफेशन हो जो सेल्फ जनरेटेड है, या राइट टू मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल हो, आपके पास कोई राइट है किसी आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का, आप उसको बेचते हैं, ये भी आपका कैपिटल असेट ही माना जाता है क्योंकि इंटेंजिबल असेट्स भी कैपिटल असेट्स होते हैं। राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस है, और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है एनी अदर इंटेंजिबल असेट्स, कोई भी इंटेंजिबल असेट्स अगर वो आपका सेल्फ अगर वो आपका सेल्फ एक्वायर्ड था, सेल्फ आपने उसको जनरेट किया था, उस केस में उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल ली जाती है, उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल ली जाती है। बट अगर आपने इसको परचेज किया था तो फिर एक्चुअल परचेज प्राइस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा, इसकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम नहीं लेते हैं, ठीक है, इन असेट्स की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं ली जाएगी। बट अगर आपके आपने कोई टेनेंसी राइट्स अपने ट्रांसफर किए हैं, या ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम ट्रांसफर किए हैं, रूट परमिट्स ट्रांसफर किए हैं, लू मार्क्स ट्रांसफर किए हैं, अगर ये सेल्फ जनरेटेड हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो, अगर ये परचेज हैं तो एक्चुअल परचेज प्राइस, और इसकी आप इंप्रूवमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, इनकी आप इंप्रूवमेंट भी ले सकते हैं, जो भी अगर आपने एक्चुअल इंप्रूवमेंट कॉस्ट की है। तो कुल मिलाकर अगर ये सेल्फ जनरेटेड थे तो उस केस में इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो ली जाती है। और दूसरी बात याद रखिएगा, ऐसे असेट्स अगर 1/4/2001 से पहले भी एक्वायर किए गए थे, ठीक है, जो पहले एक्वायर किए गए थे, तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर ऐसे असेट्स सेल्फ जनरेटेड थे तो ऑब्वियसली इन केस द अबव असेट्स आर सेल्फ जनरेटेड बिफोर 1/4/2001 तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी आप नहीं ले सकते, ठीक है। सेक्शन 55A होता है रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, ये जनरली थ्योरेटिकल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, ये कभी कभी थ्योरी में पूछ लेता है। तो क्या आप क्या असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर को भी कभी कभी केस रेफर कर सकते हैं? आंसर इज यस, अगर उसको लगता है कि ये असेट ये पर्टिकुलर केस ये जो कैपिटल असेट है थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का था, इसका नेचर इस तरीके का है कि इसकी वैल्यू असर्टेन करना शायद असेसिंग ऑफिसर की एक्सपर्टीज में नहीं आता है, तो वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद ले सकता है। दूसरे केस में अगर असेसी ने अपनी कंप्यूटेशन में कहीं पर भी फेयर मार्केट वैल्यू का यूज किया है, अगर उसने फेयर मार्केट वैल्यू का यूज किया है, हो सकता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में उसने यूज किया है, या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, फॉर एग्जाम्पल 1/4/2001 से पुराना सेट था और उसने फेयर मार्केट वैल्यू का यूज किया है, और असेसिंग ऑफिसर को इस फेयर मार्केट वैल्यू पे डाउट है, ठीक है, असेसी ने क्या किया होगा, किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो प्राइवेट वैल्यूअर्स होते हैं उनसे फेयर मार्केट वैल्यू निकलवा कर आ गया, और वो क्लेम कर रहा है कि ये फेयर मार्केट वैल्यू है इसकी, ज्यादा से ज्यादा निकलवा कर लेकर आया होगा, कॉस्ट उसने बढ़ा दी होगी। तो एओ को अगर लगता है कि असेसी ने अपनी पूरी कंप्यूटेशन में कहीं ना कहीं फेयर मार्केट वैल्यू का यूज किया है कंप्यूटेशन करते समय, और ये फेयर मार्केट वैल्यू पर एओ को डाउट है, इस फेयर मार्केट वैल्यू पर एओ को डाउट है, तो एओ इसको क्या करेगा, किसी एक्सपर्ट को से की हेल्प लेगा। तो उस केस में AO is of the opinion that the value so claimed is different from FMV, जो FMV है वो गलत आ रही है, हमारी वैल्यू कुछ और होनी चाहिए, तो उस केस में वो वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद ले सकता है। या फिर इस तरह का नेचर है असेट का जहां पर वैल्यूएशन ऑफिसर की एक्सपर्ट की मदद लेने की जरूरत है, तो वो केस रेफर कर सकता है। या फिर जो असेसी क्लेम कर रहा है, जो असेसी अपनी क्लेम कर रहा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसको लगता है कि ये गलत क्लेम कर रहा है, उसमें डिफरेंस कितना है 15% ऑफ द क्लेम वैल्यू, उसको लगता है कि कम से कम 15% से ज्यादा केस में वेरिएशन है, या 25,000 व्हिच एवर इज लोअर, अगर इतना वेरिएशन है तो भी वो वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद ले पाएगा, ठीक है। कैपिटल गेन ऑन इन केस ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। बोनस शेयर्स की कॉस्ट, क्योंकि बोनस शेयर्स आपको फ्री में मिले होते हैं तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल लेंगे आप, बट हाँ अगर बोनस शेयर्स बिफोर 1/4/2001 को आपको अलॉट किए गए थे तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 आप ले सकते हैं, ऑल्दो ये आपको फ्री में मिले थे, बट अगर पुराने बोनस शेयर्स थे तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 आप ले सकते हैं। राइट शेयर्स की, राइट शेयर्स हम खरीदते हैं ऑल्दो वो सब्सक्राइब वैल्यू पर खरीदते हैं, बट जितने का भी हमें वो मिला था, ठीक है, जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है उसको अगर राइट शेयर्स ने उसको अलॉट हुए थे तो जितना भी प्राइस का मिला था वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाती है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है वो खुद ये राइट शेयर्स अलॉट नहीं कराता है अपने आप को, वो किसी और को रेनाउंस कर देता है, तो अगर उसने जब कभी भी किसी और को रेनाउंस किया तो सामने वाले को अगर वो किसी को दे देता है, ट्रांसफर कर देता है अपना राइट कि मैं नहीं खरीदना चाहता ये शेयर्स आप खरीद लीजिए, तो उससे वो कुछ पैसे लेगा, तो जितना भी वो पैसे लेगा वो उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाता है। लॉन्ग टर्म क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऑब्वियसली जो राइट होता है हमारे पास, जनरली कंपनी लॉ ये कहता है कि 30 डेज होते हैं हमारे पास इस राइट को चूज करने के लिए कि आप वो राइट शेयर्स खरीदना चाहते हैं नहीं चाहते,
तो उसी 30 डेज के अंदर हमें पूरा का पूरा ये चीजें एग्जीक्यूट कर लेनी चाहिए। तो अगर आप 30 डेज के अंदर आप ये चीजें बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो जितना भी पैसा हमने हमें उस सामने वाले से जिसको भी हमने ट्रांसफर किया है उस ट्रांसफर से जो पैसे मिलेंगे, जो हमने अपना राइट टू रेनाउंस हमने उसको ट्रांसफर कर दिया है, तो उस केस में कैपिटल गेन आ जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। कॉस्ट कितनी रहेगी? कॉस्ट आपकी जीरो रहती है क्योंकि आपने सिर्फ लेटर ट्रांसफर कर रहे हैं। वो लेटर तो आपको फ्री में मिला था, जो आप क्योंकि ओरिजिनल शेयर होल्डर थे, कंपनी ने आपको लेटर दिया था कि अगर आप शेयर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस केस में जीरो रहेगी। अच्छा, उस व्यक्ति ने जो थर्ड पर्सन है, जब उसके पास अब लेटर आ गया, ठीक है, उसने आपको पैसे दिए, साथ साथ में वो कुछ पैसे कंपनी को देता है शेयर्स अलॉट करने के लिए, तो उसके लिए शेयर्स की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? उसका टोटल की जाएगा कि उसने कितने पैसे कंपनी को दिए, कितने पैसे आपको दिए, उसका जो सम टोटल होता है वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाती है। दिस वॉज अबाउट राइट शेयर्स। सेक्शन 112A काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म, अगर आप आपके शेयर्स बेचते हैं जो लॉन्ग टर्म है, 112A, 111A शॉर्ट टर्म पर आता है, 112A लॉन्ग टर्म पर आता है। अगर आप अपने शेयर्स बेचते हैं या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स बेचते हैं या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट आपके कोर्स में नहीं है तो आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो इक्विटी शेयर्स और दूसरा यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर आप इसको ट्रांसफर करते हैं और ये लॉन्ग टर्म है, स्टॉक एक्सचेंज पर आपने ट्रांसफर करा है जिस पर एसटीटी पेड, द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली एसटीटी पेड होता है इस पर, तो ये आपका 112A कहलाता है। 112A पे जो टैक्स लगता है वो 10% टैक्स लगता है, ठीक है, 112A का जो टैक्स है वो 10% है। बट इसमें से जितना भी आपके पास 112A से कैपिटल गेन आता है लॉन्ग टर्म, उसमें से 100,000 की एग्जम्पशन मिलती है। आपकी वो टोटल इनकम का पार्ट तो बनता है बट जब आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 100,000 को अलग कीजिएगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, बाकी के अमाउंट के ऊपर 10% टैक्स देंगे। फॉर एग्जांपल आपका 112A से जो इनकम आ जाती है वो आ जाती आगे 10,00,000 रुपीज की इनकम, तो इसके इस 10,00,000 के ऊपर सीधा सीधा 10% लग जाता है? द आंसर इज नो। इसमें से 100,000 को हटा दीजिएगा, 100,000 इसमें से एग्जेम्प्ट होते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 9,00,000 के ऊपर आपको 10% टैक्स देना आपका, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, के यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट सी एंटर के कोर्स में नहीं है तो आप ये दोनों चीजें देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन RSE पे हुई, RSE मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर STT पेड होता है। बट इसकी एक एक्सेप्शन होती है जो हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है जो गुजरात में बेस्ड है, मेनली वो नॉन रेसिडेंट्स के लिए होती है और वहां पर STT नहीं लगता है। तो अगर ट्रांजेक्शन ऐसी स्टॉक एक्सचेंज पर हो रही है तो अगर वहां पर STT भी नहीं गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी 112A में पार्ट बन जाएगा। बट 112A में ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास जो शेयर्स आपने बेचे हैं, अगर आपने वो शेयर्स बेचे हैं जो आपने एक्वायर किए थे 1 फरवरी 2018 या उसके बाद, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये डेट क्या है, इस डेट पर ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अगर आपने ये असेट्स एक्वायर किया था ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2018, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी वही इसकी एक्चुअल कॉस्ट आप ले लेंगे। बट अगर ये शेयर्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म शेयर्स थे, आपने 7-8 साल पहले एक्वायर किए थे, अब इसको आप बेच रहे हैं, यानी कि ये एक्विजिशन इसका हुआ था बिफोर 1/2/2018, यानी कि अप टू 31 जनवरी 2018 तक, तो आपकी जो कॉस्ट होगी, ठीक है, वो हम क्या देखेंगे, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018, विच एवर इज हायर। तो यहां पर आपको एक बेनिफिट दिया गया है, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट थी या 31 जनवरी 2018 को जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, विच एवर इज हायर आपको देखनी है। बट एक बात याद रखिएगा कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को आपके एक्चुअल सेलिंग प्राइस से भी हायर हो तो हम इतना नहीं लेते, फिर हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने एक्चुअल सेलिंग प्राइस तक, ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो दिस 112A इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, 112A से कोई भी चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलती, 80C से लेकर 80U की डिडक्शन आप 112A से नहीं ले सकते हो, 87A की रिबेट भी इससे नहीं मिलती है। अगर SSE चाहे वो ऑप्शनल स्कीम चूज कर रहा है या वो डिफॉल्ट रिजीम चूज कर रहा है, 87A की डिडक्शन यहाँ पर आपको रिबेट यहाँ से नहीं मिलती है 112A से। 111A से, 111A आपको पता है शॉर्ट टर्म, यही सारी चीजें 111A में भी आते हैं, 111A में बस शॉर्ट टर्म शेयर्स है, ठीक है, वहां पर शॉर्ट टर्म शेयर्स है, वहां पर जो टैक्स लगता है वो 15% लगता है, ठीक है, और वहां पर कोई 100,000 की कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती। जितना भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 111A वाला, उसके ऊपर आपको इक्विटी शेयर से इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स अगर आपने RSE पर बेचे हैं, इस पर STD जाता है, इसकी एक्सेप्शन है IFSC, तो 15% का आपके ऊपर उसके ऊपर टैक्स लग जाता है, उसके चैप्टर 6 की डिडक्शन नहीं मिलती उसमें से, बट 87A की रिबेट मिल जाती है। तो 87A की रिबेट आपको इससे नहीं मिलेगी, ठीक है, ओके। नाउ कुछ
एक्सेम्पशंस की बातें कर लेते हैं सेक्शन 54 की। कुछ सेक्शन हमारे सिलेबस में 54, 54 बी, 54 ई सी, 54 एफ और एक और सेक्शन है 54 डी। तो हमें इस एग्जेम्पशंस के बारे में पता होना चाहिए कि किस किस कब कब असेसी एलिजिबल रहेगा ये एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। सेक्शन 54 होता है अगर असेसी एक इंडिविजुअल या एचयूएफ है, इट इज ओनली फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ, और अगर उसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की हो और उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर उसके ऊपर आ रहा हो, तो अगर उसने नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी उसने खरीदी है या कंस्ट्रक्ट की है, तो सेक्शन 54 की वो एग्जेम्पशन ले सकता है। एलिजिबल असेसी है इंडिविजुअल और एचयूएफ, असेट ट्रांसफर किया हो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसका आ रहा हो और उसको क्या इन्वेस्ट करना है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, और कितने दिन के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जनरली उसको आरओआई की ड्यू डेट तक कोई ना कोई एक्शन ले लेना चाहिए, या तो वो नई प्रॉपर्टी खरीद ले, कंस्ट्रक्ट कर ले, या फिर कैपिटल गेन स्कीम में पैसा डिपॉजिट कर दे। तो जितना भी वो पैसा इन्वेस्ट करता है, सबसे पहले वो टाइम लिमिट क्या है, परचेस, अगर वो परचेस करना चाहता है तो एक साल पहले या दो साल, ट्रांसफर डेट से एक साल पहले या दो साल के बाद के अंदर अंदर वो परचेस कर सकता है। कंस्ट्रक्ट करना चाहता है तो जब से उसने ट्रांसफर किया उसके तीन साल के अंदर अंदर उसको कंस्ट्रक्ट कर सकता है, क्योंकि हमें परचेज करने के लिए इतना ज्यादा टाइम दे दिया गया है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए इतना ज्यादा टाइम दे दिया गया, बट हमें तो अपनी आरओआई की ड्यू डेट पर ही एग्जम्पशन लेनी पड़ेगी। तो इसके कैपिटल गेन स्कीम भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर असेसी ने इस डेट तक परचेज या कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाया, तो एटलीस्ट वो जितना भी पैसा वो कैपिटल गेन स्कीम में डिपॉजिट करता है, हम मान लेंगे कि उसने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, बट हाँ उसको ये कैपिटल गेन स्कीम का भी पैसा उस हमारी डेट्स तक, इन डेट्स तक यूज कर लेना चाहिए। अगर वो यूज नहीं करेगा तो फिर हम उसका वापस से कैपिटल गेन अराइज कर देंगे। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, अमाउंट इन्वेस्टेड, कितना अमाउंट वो इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पर जितना भी उसका कैपिटल गेन आया या जितना उसका अमाउंट इन्वेस्टेड, विच एवर इज लोअर, बट ये अमाउंट इन्वेस्टेड 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा की एग्जम्पशन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, 10 करोड़ से ज्यादा की एग्जम्पशन यहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर उसका कैपिटल गेन इज नॉट मोर देन 2 करोड़, अगर उसका जो कैपिटल गेन आ रहा है, उसने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची और उसका जो कैपिटल गेन आ रहा है वो 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं आ रहा है, तो अगर वो चाहे तो 2 घर भी खरीद सकता है, खरीदने का मतलब है खरीद सकता है और कंस्ट्रक्ट भी करा सकता है। तो यानी कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर हमने एक घर बेचा है तो हमें एक घर ही खरीदना है, बट अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं आ रहा है, 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं आ रहा है, 2 करोड़ तक है, तो अगर आप 2 घर भी खरीदना है या कंस्ट्रक्ट कराना चाहें तो कर सकते हैं, बट ये आपको जो फैसिलिटी है ये वंस इन अ लाइफ टाइम ही मिलेगी, ये वंस इन अ लाइफ टाइम ही फैसिलिटी, ठीक है। सेक्शन 54 बी होता है एग्जम्पशन इन रिगार्ड टू एग्रीकल्चर लैंड। अगर असेसी ने अपना रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचने पर तो कैपिटल गेन आता ही नहीं है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचने पर कैपिटल गेन आएगा। अगर असेसी ने अपना अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचा है, ठीक है, तो उस केस में उसका जो कैपिटल गेन आ रहा है वो एग्जम्पशन करा सकता है अंडर सेक्शन 54 बी, अगर वो इन्वेस्ट करे एग्रीकल्चर लैंड में ही। जो नया एग्रीकल्चर लैंड में उसको इन्वेस्ट करना है, चाहे वो रूरल हो तो भी चलेगा, अर्बन हो तो भी चलेगा। उसने बेचा क्या, अर्बन एग्रीकल्चर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचा तो एग्जम्पशन की जरूरत ही नहीं होगी, फिर तो कैपिटल गेन ही नहीं आएगा। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचा है तो उसका कैपिटल गेन आ रहा होगा। जरूरी है कि जो एग्रीकल्चर लैंड उसने बेचा है वो कम से कम 2 साल से, पिछले 2 साल से जब वो ट्रांसफर हुआ था उससे पहले के 2 साल से वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, या तो असेसी खुद कर रहा हो या उसके पेरेंट्स यूज कर रहे हो या जिस एचयूएफ को बिलोंग करता है वो एचयूएफ उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रही थी, ठीक है। कहां पर इन्वेस्ट करना है, आपको एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करना है, अर्बन या रूरल, जितने में भी आप जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, आपको ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। कितने दिन के अंदर परचेस करना चाहिए आपको, 2 साल के अंदर अंदर, विद इन 2 ईयर्स आपको ये परचेस कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको इतना ज्यादा टाइम दे दिया है परचेस करने के लिए, तो कैपिटल गेन स्कीम भी एप्लीकेबल है। अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, आपको ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। दिस वॉज 54 बी। 54 ईसी होता है, 54 ईसी काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी एसएससी को मिलता है। देखिए दोनों सेक्शन 54, 54 बी और इनफैक्ट 54 एफ भी, ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होते हैं, बट 54 ईसी सभी एसएससी के लिए होता है अगर उस एसएससी ने अपना लैंड और बिल्डिंग और बोथ ट्रांसफर की हो लॉन्ग टर्म, लैंड बिल्डिंग और बोथ ट्रांसफर की हो लॉन्ग टर्म, और उसको पैसे इन्वेस्ट करने हैं एनएचआई के या आरईसीएल के बॉन्ड्स में या फिर अदर नोटिफाइड बॉन्ड्स में मिनिमम 5 ईयर्स के लिए। मैक्सिमम वो यहाँ पर एग्जम्पशन 50 लाख तक की ले सकता है, जितना भी उसका कैपिटल गेन आ रहा है
या अमाउंट इन्वेस्टेड बट मैक्सिमम 50 लाख से ज्यादा की वो इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा है तो उसको 50 लाख से ज्यादा की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर जितना भी उसने इन्वेस्टमेंट विद इन 6 मंथ्स की है वही हम आपको एग्जम्पशन देंगे। अगर आपने 6 मंथ्स के बाद की है तो 54EC में एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। कैपिटल गेन स्कीम यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल इन्वेस्टमेंट ही करनी है ना, वहां पर तो घर खरीदना था, यहाँ पर आपको लैंड खरीदना था तो उसमें टाइम लग सकता है। यहाँ तो सिर्फ पैसे इन्वेस्ट ही करने हैं ना, एक तरीके से बैंक में पैसे डालने हैं, तो आप कैपिटल गेन स्कीम में पैसे जमा करेंगे, इससे अच्छा तो आप सीधा सीधा बॉन्ड्स ही खरीद लीजिए। तो यहाँ पर कैपिटल गेन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए ना 54 काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे चेंजेस आए हैं वो 10 करोड़ वाले, तो इसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। और सेम कंसेप्ट सेम चेंजेस 54F में भी आया, तो 54 और 54F आपके एग्जाम के लिए ना काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मई 2024 एग्जामिनेशन के लिए। 54F देख लेते हैं। यहां पर असेसी अगर इंडिविजुअल और HUF है, जिसके पास पहले से एक से ज्यादा घर नहीं है, पहले से एक से ज्यादा घर नहीं है और उसने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या तो लैंड बेचा हो या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ना बेची हो, कुछ भी वो बेच सकता है अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म असेट, लैंड भी बेच सकता है, ठीक है, लैंड बेच सकता है, अदर लॉन्ग टर्म असेट बेच सकता है, ज्वेलरी बेच सकता है, शेयर्स बेच सकता है अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहली बात इंडिविजुअल और HUF को मिलेगी जिसके पास पहले से एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस ना हो, ट्रांसफर किया हो कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म असेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, लैंड ट्रांसफर किया चलेगा, रेसिडेंशियल हाउस ट्रांसफर ना किया हो, और आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा हो। खरीदना क्या आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कितने दिन के अंदर सेम रहेगा, परचेज 1 साल पहले या 2 साल के बाद तक कर सकते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन कराना चाहें 3 साल के अंदर अंदर कर सकते हैं क्योंकि इतना ज्यादा टाइम दे दिया गया, कैपिटल गेन स्कीम भी एप्लीकेबल रहेगी। यहां पर कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, यहां पर आपका एक फॉर्मूला बेस्ड एग्जम्पशन है, फॉर्मूला बेस्ड एग्जम्पशन है, जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया अपॉन नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन क्या होती है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया अपॉन नेट कंसिडरेशन इनटू ग्रॉस कैपिटल गेन, इतनी आपको एग्जम्पशन मिलेगी। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या आ गई है कि जो अमाउंट इन्वेस्टेड है ये मैक्सिमम 10 करोड़ से ऊपर नहीं लेना। अगर आपने कोई भी नया घर खरीदा है या कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं और उसके ऊपर 10 करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया है तो ये अमाउंट इन्वेस्टेड जो न्यूमिनेटर में लेना है वो आपको 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं लेना है, ठीक है। तो दिस वॉज अगेन इंपॉर्टेंट। और एक सेक्शन 54G, GA और GB आपके सिलेबस में नहीं है बट 54D आपके सिलेबस में है, छोटा सा सेक्शन है 54D। 54D लगता है उन लोगों के लिए जिनकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जिनके पास एक इंडस्ट्रियल यूनिट थी और उनका लैंड या बिल्डिंग कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है। तो अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है लैंड एंड बिल्डिंग का, कोई भी एसएससी है जो एक इंडस्ट्रियल यूनिट रन कर रहा था, तो लैंड एंड बिल्डिंग विच इज बीइंग यूज्ड बाय द एसएससी फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस फॉर लास्ट 2 ईयर्स, तो जितना भी आपके पास कैपिटल गेन आ रहा है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है, तो आपको जो भी कैपिटल गेन आ रहा है उसको एग्जम्पशन करा सकते हैं अगर आप उससे नया लैंड या बिल्डिंग खरीदते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग, और वो भी किसके लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। कितने दिन के अंदर आपको खरीदना है, विद इन 3 ईयर्स, और क्योंकि विद इन 3 ईयर्स खरीदना है तो कैपिटल गेन स्कीम एप्लीकेबल रहेगी। कितना एग्जम्पशन मिलेगा, जितना अमाउंट इन्वेस्ट करा है या ग्रॉस कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। सो दिस वॉज एग्जम्पशन, बट प्लीज मैं चाहूंगा कि बाकी आपको ये 5 एग्जम्पशन 1, 2, 3, 4 और 5 एग्जम्पशन करनी है, बट सबसे ज्यादा प्लीज 54 पर और 54F पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो दिस वॉज योर कैपिटल गेन चैप्टर रिविजन। मुझे पता है मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी मैंने इसको कराया है, बहुत ज्यादा क्विक था क्योंकि यहाँ पर मोटिव है मेरा, यहाँ पर चीजों को बहुत ज्यादा समझाना नहीं था, सिर्फ आपको रिकॉल कराना था, ठीक है। अगर आप पूरा अच्छे से रिविजन देखना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया था, आपके पास लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।